बाय कोच कतर एयरवेज, ये हैशटैग ट्विटर पर पिछले कई दिन से आप लोग देख रहे होंगे। ये इस लड़के की वीडियो तस्वीर और ये शेख साहब की जो है तस्वीर और ये वीडियो खासकर सोशल मीडिया पर तैर रहा है और इसमें अपील की गई थी कि बीजेपी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की उसके बाद खाड़ी देशों ने, खासकर कतर ने, जो भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं और भारत के खिलाफ जो बयानबाजी की है, भारत सरकार से माफ़ी मांगने की मांग की है, उसके मद्देनज़र ये भाई साहब, इनका नाम वासुदेव है, इन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया और उसमें कहा कि आप कतर एयरलाइन का बायकॉट कर दीजिए, उसका विरोध कर दीजिए, उसमें ट्रैवल मत कीजिए। और उसके बाद से ये दावा किया जा रहा है, ये इंटरव्यू की क्लिप शेयर करके जो अल जज़ीरा चैनल को दी गई है, इस इंटरव्यू में ये कतर एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वासुदेव, जो लड़का जिसने ये वीडियो बना के ये बायकॉट कतर एयरलाइंस अभियान की शुरुआत की, उसके बाद से हमारा धंधा चौपट हो गया, हम ज़मीन पर आ गए, हमारे सारे प्लेन नीचे आ गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं और हम उनको एयरप्लेन गिफ्ट में कर देंगे और हम उनसे अपील करते हैं कि तुरंत वो इस कैंपेन को वापस ले लें, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि वो मजाक भी उड़ा रहे हैं उनका। इस क्लिप के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये ओरिजिनल है और वासुदेव की जो ट्विटर पर अपील थी उसके बाद से लोग, दुनिया भर के लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं और कतर एयरलाइन डूबने की कगार पर है। तो मैं इसका फैक्ट चेक करने वाला हूं कि क्या ये वाकई में सही है या फिर ये फर्जी एक स्पूफ वीडियो है, डॉक्टर्ड वीडियो, यानी इसके साथ आवाज जोड़ के छेड़छाड़ करके इसको बनाया गया है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मांग क्या है। दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के बाद दुनिया भर से आवाजें उठी और फिर ट्विटर पर जो उनके समर्थक थे बीजेपी के, उन्होंने बायकॉट कतर एयरवेज नाम से हैशटैग शुरू कर दिया। हालांकि इसमें बायकॉट की स्पेलिंग ही गलत है, BOYCOTT होना चाहिए, लेकिन उन्होंने BYCOTT लगाया है, यानी कि उसकी स्पेलिंग ही गलत है। तो भक्तों को स्पेलिंग भी नहीं आती, वो भी इन्होंने गलत लिखा। ये भाई साहब छत पर खड़े होकर कह रहे हैं कि कतर एयरलाइन का बहिष्कार कर दीजिए। MF हुसैन को उन्होंने शरण दी थी जो भारत में देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाते थे और अब वो नुपुर शर्मा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, भारत के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। तो इनका नाम वासुदेव है और वासुदेव को संबोधित करते हुए वो इंटरव्यू क्लिप सामने आई है। ये क्या कह रहे थे एक बार ये सुनिए। कतर है जिसने MF हुसैन को पनाह दिया था, जिसने जो MF हुसैन जिसने माता सीता का, माँ दुर्गा का नग्न तस्वीर बनाई थी, उस MF हुसैन को कतर ने सिटीजनशिप दिया था और आज वो नुपुर शर्मा के बयान पे भारत को ज्ञान दे रहा है। कतर ने वहाँ पे रहने वाले भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से, क्योंकि जैसे को तैसा का जवाब दिया जाना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हर हर महादेव साथियों। वासुदेव की इस वीडियो के बाद जो कैंपेन शुरू हुआ उस पर शेख का एक वीडियो इंटरव्यू क्लिप शेयर करके दावा किया गया कि अब वो घुटनों पर आ गए हैं और वासुदेव से अपील कर रहे हैं कि आप ये कैंपेन वापस ले लीजिए। लेकिन क्या ये सही बात है? क्या वो जो इंटरव्यू क्लिप है ये शेख की, ये वासुदेव को संबोधित करते हुए, क्या वो सही है? वो हमने जानने की कोशिश की और मैं इसमें मतलब मैंने काफ़ी सारे मटेरियल ढूंढे, कुछ पुराने वीडियोस ढूंढे और पता चला कि ये वीडियो क्लिप क्या है, उस पर मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में ये क्या बात कर रहे हैं वो ज़रा समझ लीजिए। ये जो शेख हैं ये कतर एयरवेज के CEO हैं अकबर अल बकर, और इनका जो वीडियो है उस इंटरव्यू में एयरवेज के CEO अकबर अल बकर जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल की और सीधे कतर चला आया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी एयरलाइंस के सबसे बड़े शेयर होल्डर वासुदेव ने छत पर बने अपने हेडक्वार्टर से कतर एयरवेज के बायकॉट का ऐलान कर दिया। वासुदेव हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में ₹624.50 का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। उनके बायकॉट की वजह से अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे अपना बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमारी सभी फ्लाइट जमीन पर आ गई हैं, सभी का काम रुक गया, ठप हो गया। इसलिए हम वासुदेव से विनती करते हैं कि वे बायकॉट का निर्णय वापस ले लें। ये एक नए तरह का और एक अलग लेवल का बायकॉट है जिसकी स्पेलिंग BYCOTT है। वासुदेव जी, हमारी इच्छा आपको एक प्लेन देने की है जिसमें आप अपने टिकटॉक वीडियो बना सकेंगे, आप हमसे 2 लीटर पेट्रोल भी ले सकते हैं। वासुदेव जी, अब आप अपना बायकॉट का ऐलान वापस ले लीजिए, वरना हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इस वीडियो का लबोलुबाब ये है जो ये इंटरव्यू में बातें बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, हालांकि ये मजाकिया है, लेकिन फिर भी लोग इसको सही मान के शेयर कर रहे हैं इसके ऊपर, और बड़े बड़े ट्विटर हैंडल भी इसको शेयर कर रहे हैं कि देखिए कैसे कतर ने जवाब दिया है। लेकिन ये जो कतर एयरवेज के CEO अल बकर का, अकबर अल बकर का जो वीडियो है, दरअसल ये बहुत पुराना वीडियो है। इस वीडियो की जब हमने पड़ताल की, हमने इंटरनेट पर इस वीडियो को खंगाला, तो हमें पता चला कि ये पुराना वीडियो है और ये साल 2017 में जून के महीने में इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था। अल जज़ीरा को ये इंटरव्यू दिया गया था
क्योंकि जो कतर एयरवेज के सीईओ हैं अकबर अल बकर, उन्होंने इस पर बयान दिया था। उन्होंने ये तब दिया था जब सऊदी अरब ने कतर पर आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए उससे सभी संबंध तोड़ दिए थे। उस समय सऊदी अरब के साथ साथ उसके मित्र देश यूएई, बहरीन और मिस्र ने भी कतर की उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। ये फैसला कतर एयरवेज के लिए बड़े झटके जैसा था, यानी 2017 में जून में जब उनमें आपसी टेंशन थी कतर में और जो खाड़ी देश है उनके बीच में, तब उन्होंने ये बयान दिया था। और ये जो बयान है ये कतर एयरलाइंस के अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, लेकिन इन्होंने वासुदेव के बारे में कोई बात नहीं बोली। ये आज का वीडियो नहीं है, ये जून 2017 का वीडियो है, इसलिए ये वीडियो फर्जी है, स्पूफ है। किसी ने इसके साथ में ऑडियो को जोड़ दिया है और उस ऑडियो के जरिए सीधे तौर पे तो जो बीजेपी के अंधभक्त हैं उनका मजाक उड़ाया गया है। जो वासुदेव है उनको जो है उनके नाम से संबोधित कराते हुए शेख जो है उनका मजाक उड़ाने वाली भाषा बोल रहे हैं कि हम आपको एक प्लेन दे देंगे, आप अपना बाइकोट वापस ले लीजिए, उसमें टिकटॉक वीडियो बनाते रहिएगा, हम आपको 2 लीटर पेट्रोल भी दे देंगे, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और भक्त जो है उसी को सही मानते हुए ट्विटर पर आप देखिए तो जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि देखिए एक भारतीय ने जब बायकॉट का ऐलान किया तो ये हालत हो गई कतर एयरवेज की। उनका सबसे बड़ा अधिकारी सीईओ जो है वो आकर कह रहा है वासुदेव को कि आप अपना बायकॉट जो है वापस ले लीजिए, हालांकि बायकॉट की स्पेलिंग तक अन भक्तों को सही से नहीं आई। तो ये वीडियो फर्जी है इस मामले में, वासुदेव के मामले में ये वीडियो पुराना जून 2017 का है, इस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ है और अभी ना ही कतर एयरवेज ने कोई इस तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। ये लड़का जो वासुदेव है छत पर खड़ा हुआ है, इसके बारे में बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई अपना काम करो, ये क्या उलझे हुए हो कतर एयरवेज को नुकसान पहुंचाने की बात करके। और अभी सवाल तो भक्तों के साथ भी है कि आपने इतने दिन कैंपेन चलाया, 3-4 दिन से आप लगे हुए नुपुर शर्मा के समर्थन में, बायकॉट स्पेलिंग ठीक कर लीजिए पहले, तो उसके लिए अब आपको देखना चाहिए कि क्या आपका ये अभियान सफल हुआ है, क्या कतर एयरवेज जमींदोज हो गई है, उनका बिजनेस ठप हो गया, क्या उनके प्लेन सारे नीचे उतर आए हैं, क्या हुआ है, वो आपको अपडेट देना चाहिए। क्योंकि अक्षय कुमार की जो फिल्म है पृथ्वी सम्राट पृथ्वीराज वो तो फ्लॉप हो गई, उसकी तरह कतर एयरवेज तो फ्लॉप नहीं हुई, ये तो चल रही है। और आप जानते हैं वहाँ पर भारत के कितने लोग और वहाँ से भारत को कितना मुनाफा होता है, कितना व्यापार होता है, अगर उस पर प्रभाव पड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान भारत का होगा, तो उसको समझ लीजिए। दुनिया भर में जलील मत करवाइए भारत को, इस तरह की ये कैंपेन चला के आपको सोचना चाहिए। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सही मान लेते हैं, इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट के तहखाने में जो कुछ आपको दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता, हमेशा सच नहीं होता, इसलिए पड़ताल करना ज़रूरी है। समझिए इन लोगों को कि ये कौन है आईटी सेल वाले इस तरह के वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, कौन है उनके बारे में ख्याल रखिए और जो भी आपको दिखता है उसको सच ना मानिए। तो मेरी पड़ताल में ये वीडियो कतर एयरवेज के सीईओ अकबर अल बकर का ये 2017 का मुझे मिला, अभी का नहीं है और इन्होंने अभी वासुदेव पर कोई कमेंट नहीं किया है। आपका इस मसले पर क्या कहना है? नुपुर शर्मा कतर एयरलाइंस के बहिष्कार और भारत में अंधभक्तों की भरमार और अंधभक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।